कालका शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पर जाबली में एक बड़ा हादसा होने से उस समय टल गया जब हरियाणा रोडवेज की चलती बस का दरवाजा खुलने से चालक बस से नीचे गिर गया और बस पहाड़ी से जा टकराई। घटना HPL फैक्ट्री के समीप की है जहां बस नंबर HR39D0765 हिसार से शिमला की तरफ जा रही थी। हादसे में चालक को भी काफ़ी चोटें आई हैं, वहीं सवारियाँ भी कई चोटिल हुई हैं। बस में 30 से 35 सवारियाँ बैठी हुई थी। बस चालक कपिल देव को इलाज हेतु ESI हॉस्पिटल परमाणु ले जाया गया है। गनीमत ये रही कि बस परमाणु की तरफ नहीं जा रही थी, यदि ऐसा होता तो एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी और किसी की भी जान जा सकती थी। चलती बस में इस तरह दरवाजा खुलना अपने आप में कई प्रश्न खड़े करता है। वहीं पुलिस मौके पर है और जांच में जुटी है।